हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो पहले दो सम हमने किए हैं क्रेमर्स रूल के, अब थर्ड सम करते हैं। एकदम सिंपल है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, इक्वेशन को प्रॉपरली लिखो एकदम, ठीक है? एक के नीचे एक। मैंने जानबूझ के भी सामने सामने लिखा है, लेकिन आपको मैंने हमेशा बोलता हूँ ऐसा होगा हमेशा, तो एक के नीचे एक लिखो। अब क्यों, आपको रीज़न पता चल गया होगा अब तक, तो ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखोगे तो आपको, आपके लिए मुश्किल होगी। अब मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा बताता हूँ। चलो तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डी के वैल्यू निकालेंगे। अब तक तो पता चल गया होगा क्रेमर्स रूल कैसे करना है। एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई। बोलो, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई। तो इधर एक्स का कोएफिशिएंट और इधर वाई का कोएफिशिएंट। अभी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है इधर बच्चा? कुछ नहीं तो वन होता है ना। अभी कुछ के बच्चे लोग जीरो लिखते हैं। इट्स वन, राइट? तो वन टू, और यहाँ पर टू थ्री। थ्री बराबर ना, बराबर थ्री। गलत, -3। देखो ये गड़बड़ होती है, पूरा सम राइट करोगे फिर बोलोगे कि ये इधर थ्री लिखा हुआ है, यू विल गेट जीरो। क्या मिलेगा? अंडा। क्या मिलेगा? अंडा। क्या मिलेगा? अंडा। ओके चलो, -3 × 1। थोड़ी सी दिल में दे जगह तू। ओके -3 × 1, 2 × 2। क्या करोगे बच्चा लोग बताओ? -3 × 1, -3 एंड 2 × 2, 4। माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी तो 7, और -7 तो डी का वैल्यू मुझे क्या मिल गया? -7। लिख देता हूँ मैं इधर, वरना बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बोर्ड छोटा है ना, लो बजट अगेन। ओके अब बच्चा लोग क्या निकालेंगे अपन? डीएक्स निकालेंगे। मैंने क्या बोला है? ओके आपको नेक्स्ट स्टेप पे लिखना है, ये एक ही स्टेप भी नहीं करना है सब। इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जगह की, इसके लिए डीएक्स बेटा मतलब क्या? मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, आप जब भी सॉल्व करो ना, मेरे साथ करो, अलग करो, कभी भी करो, एक चीज़ याद रखना, डीएक्स को हमेशा डिलीट एक्स बोलना। क्या बोलना? डिलीट एक्स। क्या बोलना? डिलीट एक्स। तो बच्चा लोग डीएक्स को क्या बोलोगे आप? डिलीट एक्स। क्या बोलोगे? डिलीट एक्स। तो इधर एक्स के बदले क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट, लास्ट वीडियो में बताया है। तो -1 एंड 12। अब इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट डालने की हैबिट डालो बेटा, हमेशा हमेशा ब्रैकेट डालने की हैबिट डालो। -1 × -3 एंड 2 × 12। माइनस माइनस प्लस, तो 3 − 2 × 12 = 24। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े की इधर की जरूरत नहीं है, तो -21। आई होप एकदम क्लियर है डीएक्स की वैल्यू भी। तो डीएक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिल गया बच्चा लोग? -21। अब हमको क्या चाहिए? डी वाई इज वॉट? वॉट इज डी वाई? डिलीट वाई, बराबर। ये तो ऐसे ही रहेगा, मैं वापस रफ कर देता हूँ आपको अच्छे से समझे इसके लिए। तो एक्स वैसे का वैसे लिखना है आपको, लेकिन वाई के बदले क्या आना चाहिए अभी? कॉन्स्टेंट। पहले एक्स के बदले था, अब वाई के बदले है, डिलीट वाई। तो वाई देखो ऐसे ही बोलो, नॉर्मली भी करो तो ऐसे ही बोलो। तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 1 × 2 -1 × 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 12 माइनस -1 × 2 -2। तो क्या करोगे इसका, क्या आएगा आंसर बताओ मेरे को? 12 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? 14। आई होप क्लियर। तो डीवाई क्या मिल गया बच्चों? 14। एकदम सिंपल है। अब हमको डी मिल गया, डी एक्स मिल गया, डी वाई मिल गया। तो अब आप क्या करोगे? बाय क्रेमर्स रूल, ये सब में सेम है। एक्स क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स क्या था? -21। डी क्या था? -7। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस छू, माइनस माइनस छू। तो 7 × 1 = 7, 3 = तो x = 3। बेटा वाई क्या आ जाएगा बताओ मेरे को? वाई क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी। डी वाई क्या आया है? डी वाई क्या आया है? 14। डी क्या आया है? -7। बच्चे बहुत घाई में होते एकदम, तो माइनस को भूल जाते हैं। 1 = 2 = तो ये माइनस का इन ऊपर आ जाएगा, तो -2। तो x = 3 एंड y = -2। घाई नहीं करना ऐसे सम्स में, फोकस बहुत जरूरी है। ओके
तो आपको समझ गया, तो लास्ट में लिख देने का एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू माइनस टू द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, फॉलो द फाइव स्टेप्स, डी डी एक्स डी वाई एक्स वाई, डी डी एक्स डी वाई एक्स वाई, बस ये फाइव स्टेप्स। ओके, थैंक यू सो मच।